एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी और बीजेपी अब लोकसभा की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। देश में बड़े बड़े फैसले लेने के बाद बीजेपी की नजर समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने पर है। इसके ऊपर लगातार मंथन भी किया जा रहा है और हो न हो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही ये कानून भारत में लागू हो सकता है। देश में कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस कानून को लेकर जहां भी सभा करते हैं वहां इस मुद्दे को जरूर उठाते हैं। आज भी मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चलेगा, एक ही घर में दो कानून दो लोगों के लिए कैसे चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को कह चुका है, लेकिन विपक्षी पार्टियां बेवजह मुसलमानों को गुमराह करती है। वहीं प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता पर भी बड़ा वार किया और कहा कि ये लोग स्वार्थ की वजह से जुगलबंदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ घोटालों की गारंटी दे सकता है, विपक्ष सिर्फ देश में भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकता है, क्योंकि इसी में इन लोगों को महारत हासिल है। पीएम मोदी ने टीएमसी और आरजेडी के घोटालों की भी बात की। उन्होंने कहा कि देश लूटने वालों का पक्का हिसाब होगा। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।